हेलो गाइस, हाउ आर यू? फोन रह गया, उसको टेंशन है कि वो बुला रहे होंगे। मैंने कहा नहीं, ठीक है। मूंगफली का था। आपने देखा? कोशिश पूरी करी हमने, स्टेप्स तो शायद कोई सच मिस नहीं हुआ, बट एक जगह मेरा कॉस्ट्यूम फंस गया। एक जगह ऐसा कॉस्ट्यूम फंस गया, छोटी नहीं पाई, बट फिर जब उठी तो आग लगा दी। हाँ, नहीं, माल फंक्शन नहीं, पैर फंक्शन का पैर फंक्शन नहीं कर रहा। भारी तो नहीं थी उतनी, पर थोड़ी भारी थी। वो बहुत ऐसा राउंड लेने पे वो मैं रुक जाती थी, वो घूमती रहती थी, तो वो थोड़ा मुश्किल था। बाकी बहुत मज़ा आया। जितना हम डर रहे थे कि हम बहुत डरेंगे जाके, हंसी गायब हो जाएगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमने मस्ती में डांस किया। मेरी हंसी गायब हो रही थी, लेकिन मैंने ऐसा ना कुछ चिपका लिया रही थी। अंदर से दोनों ही डरे हुए थे, लेकिन atmosphere is very positive actually. साई परफॉर्मेंसेस में काफी एनर्जी है, इट्स नॉट स्लो। रंगारंग कार्यक्रम अंदर चालू है। हाँ, अभी भी चालू है, हर परफॉर्मेंस में एनर्जी है, तो वी हैव टू मैच दैट। हम तो थे ही नहीं इसमें, तो शुरू है अभी तक तो हमारी आई नहीं, बारी नहीं आई अभी, लेकिन इनका फिर भी चांस है, मेरा नहीं। दोनों का ही चांस है, दोनों का ही नहीं। अभी मतलब ये एक तरह का देसी वेस्टर्न बंद गला है, एंड आई वाज लकी टू फाइंड इट समवेयर, इट्स अ डिजाइनर, बट हाँ, एक तरह का है, ये खुल भी जाता है ऐसे, तो और कंफर्टेबल है, इट्स नाइस। प्यारा सा इंडियन गाउन है, रेड कलर का। टेंशन में मोबाइल करना, आप डंबल्स कर पाते हैं हाँ डंबल्स? मैं तो बिना ड्रेस के भी नहीं कर सकता। हाँ, शो एक एक बहुत स्पेशल इवनिंग है, बिकॉज स्टार परिवार अवार्ड्स का पहले ही एक अचीवमेंट है, 15 साल पूरे हो रहे हैं, सो आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल इन ओन वे दैट एक माइलस्टोन उन लोगों ने अचीव किया है, एंड ये मेरा फर्स्ट स्टार परिवार है, सो उनका एक फर्स्ट माइलस्टोन में मेरा फर्स्ट अवार्ड होना, मेरा फर्स्ट पार्टिसिपेशन होना, आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। और बहुत मस्ती करेंगे हम आज, परफॉर्मेंसेज हैं, मैं चोड़ा चंक होस्ट भी कर रहा हूँ, एंकर कर रहा हूँ, मैं और पंची एक हैलोवीन एक्ट कर रहे हैं वन बॉल डाउन पे, जो हनी सिंह का ट्रैक है, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट इज कि वो बहुत नया ट्रैक है, बहुत फ्रेश है, तो कहीं भी कोरियोग्राफी किसी ने उसकी नहीं देखी है, या किसी एक्टर ने किसी ने उस पर परफॉर्म नहीं किया है, नहीं तो ये होता है कि हाँ किसी बॉलीवुड का कोई सॉन्ग होता है तो हमें पता होता है कि उस स्टार ने ऐसा ऐसा किया था, हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं,
सो आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, एक्सक्लूसिव है कि एक अच्छा ट्रैक, एक हिप हॉप नंबर हमें मिला है और जो यूज़ नहीं हुआ है पहले, इंडिया डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. इट्स अ वेरी स्पेशल एक्ट बिकॉज हम काफ़ी ग्राफिक्स और कोमा उसमें यूज़ कर रहे हैं, सो इट हैव अ वेरी डिफरेंट फील. ये सबरीना है, उन्होंने स्टाइलिंग की, चीज़ स्टार प्लस का ही स्टाइलिस्ट एंड डिज़ाइनर है. सो यही मैं अपने एंकरिंग के लिए पहनने वाला हूँ. I'll cut it. I'll burn it. बहुत खुशी है. सबसे पहले तो स्टार और स्टार से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, बहुत खुशी है. मेरा शो में दूसरा साल है. मैं नॉमिनेटेड हूँ फेवरेट डिजिटल सदस्य अवार्ड के लिए, अपनी बीजी के साथ परफॉर्म भी कर रही हूँ. सो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और मैं थक भी काफ़ी गई हूँ, सुबह से दौड़ भाग कर रही हूँ. क्या है एक्ट आपका? वर्ल्ड टूर एक्ट. मैं अपनी बीजी को ब्राज़ील लेकर गई हूँ. सो मुझे लगता है कि बच्चे ये रिश्ते वही हैं माँ बेटी का, सोच बदल गई है. बड़े अपने बच्चों को घुमाने ले जाते थे, आज बच्चे लेकर जा रहे हैं. स्टार का लोगो रेड है, सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टार अपने आप को इंडिकेट करता है कि रेड पहन कर आओ. आपकी ड्रेस किसने डिजाइन किया? मेरी ड्रेस सौरभ जैन ने डिजाइन की, जो कि एक अपकमिंग डिजाइनर है. और मुझे गाउन पहनना बहुत अच्छा लगता है एंड रेड कार्पेट पर मेरे बाल हमेशा ही खुले होते हैं, सो कहीं ना कहीं मेरा ट्रेडमार्क बन गया. ये रियल बाल है आपके? जी हाँ, ये मेरे रियल. आप कोई मतलब शैम्पू या किसी इसका ऐड करना शुरू कर दीजिए अपने से? नहीं नहीं नहीं, अब मिलना चाहिए आपको. लाइक यू आर 18 नाउ. थैंक यू, थैंक यू. फिटनेस के लिए आप ध्यान रख पाते हो? बिजी रहते हो आप इन दिनों? काफ़ी बिजी रहते हैं, शूट वगैरह में टाइम नहीं मिल पाता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सनसेट के बाद फूड ना. हमने दिन में हमें सोचा आप फिटनेस के लिए टाइम नहीं दे पाती है, इसलिए हमने सोचा आप इंस्ट्रूमेंट यहीं पर ले आए हैं. हमारे मनीष जी, इनको भी इंस्ट्रूमेंट दी जाए. हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे कि आपकी भाई फोटो क्यों दीजिएगा. अभी फिटनेस के लिए आपके लिए हम थोड़ा साइड में आ जाइए. फिट हो जाएंगे आप, टोन अप हो जाएंगे आप. कितना और 4 किलो होगा? 7 किलो सही लग रहा है. कब लेकर सकती है? इतना भी ज्यादा हल्का नहीं. थैंक यू सो मच. मुझे रिंग्स पहनने का बहुत शौक है. मैंने बहुत सारी अंगूठियाँ पहनी हैं. ये मुझे ज्वेलरी वैसे भी बहुत पसंद है, तो जब भी मुझे मौका मिलता है जैसा होने का, मैं ज्वेलरी जरूर पहनती. मैंने इनका स्मोकी पहनी हुई है और लॉन्ग गोल का. नहीं नहीं भाई, नो सर, थैंक यू.
आप भी हो, कैसे हो? चलो हाउ आर यू? बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू वेरी मच। आजा रिंकी, रिंकी रिंकी टिकी पिंकी सवाल जाओ। सबसे पहले ड्रेस के बारे में बताइए, आप लोग कितना सेट पे पहनते हो, उससे कितना अलग और कंफर्टेबल महसूस करते हो? बताइए अपना अपना। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैंने तो सेम कपड़े पहने हैं जैसे मैं सेट पे पहनती हूं। मैं भी सेट पे पैंट शर्ट पहनता हूं, यहां भी पैंट शर्ट पहनी है, बस फर्क इतना कि मैंने एक कोट जैकेट पहनी है और मेरा चश्मा नहीं है। बाकी तो पैसा भी नहीं है। हां आप लोग ने बहुत सब का तमाम सब अंदर हैं, आज अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है उनका? बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है उनका वैवाहिक जीवन, और वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। मतलब एक आज्ञाकारी दामाद बन पाए हैं वो, जैसा आपने सोचा था उनके लिए? पिछले पौने दो साल से मेरे आज्ञाकारी दामाद थे और अगले 200 साल तक ऐसे ही रहेंगे। अभी ज्यादा हो गए। पुत्री खुश है? बहुत बहुत खुश है मेरी बेटी, बहुत खुश है। आप लोग आज के एक्ट के बारे में बताना चाहेंगे? हम लोग ओपनिंग एक्ट कर रहे हैं कुछ, हम 5-6 लोग, जिसमें 15वां साल जो है स्टार परिवार का वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। हाँ तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। आप बताइए मेरे अपने एक्ट के बारे में कुछ। मतलब एक बहुत अच्छा हाईलाइट कर रही है। हां हाईलाइट जो भी हमारी टीम से यहां पे एक्ट कर रहा है वो एक्ट बहुत अच्छा होगा। हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो यहां पे बेहतरीन। चलिए बहुत प्यार मिला, ऑल द बेस्ट टू यू। हां जी बहुत प्यार मिला दर्शकों का आपको। क्या विश करना चाहेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? बेस्ट पति, मोहब्बत में जितनी भी नॉमिनेशन हुई है, ये मोहब्बत में जितनी भी नॉमिनेशन हुई है, वो उम्मीद है हमारे पास से आने वाले हैं। उम्मीद नहीं, पक्का है, सभी आएंगे। हाँ, डबल डबल आप बहुत कम बोल रहे हैं, आप क्या बात है? वो लिखा हुआ ज्यादा बोलती है, बाकी सब लोग बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ? आप बार बार आप पूछिए जो पूछना है। अच्छा मुझे पता है बेटियाँ भारी होंगी, बहुएं भारी होंगी, सास भारी होंगी, सब सब पे भारी है। ये 15वां साल है, मेरे फिटनेस देख के मेरा फिटनेस देख के लगता नहीं मैं फिटनेस में जाता हूँ। दोनों परिवार खाए पिए तो आ रहे हैं, यही हमारी और मैं होके उठा। लड़की लड़के से कम नहीं है। ये देखो वी स्टार्ट फ्रॉम वन टू थ्री, वन टू एंड थ्री, गो वन टू थ्री फोर फाइव, और भी कहता गया 75 76 78 1000 79 1000 हो गया। सेकंड बलून आप लोग क्या करना है? 15वां साल पे मतलब खुशी के होल इट टुगेदर गाइस, सब होल इट टुगेदर टुगेदर। मेरा फेस नहीं दिखना चाहिए। हाँ मेरा फेस नहीं दिखना चाहिए। एक और ले लो, एक और ले लो, एक और ले लो। फिल्म के अवार्ड्स देखे हैं कई अलग तरह के, लेकिन पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि इतने रंग बिरंगे आप लोग देख रहे हैं। नो बोरिंग ब्लैक, एग्जैक्टली दैट इज द मोटिव कि स्टार परिवार कलरफुल है और हम लोग सब कलरफुल है। सो यार वी जस्ट प्रमोटिंग दैट एंड वी हैव मेट यू आल्सो एंड यू कम अक्रॉस अ वेरी कलरफुल एंड हैप्पी पर्सनालिटी। Yes, of course. Definitely, हम दोनों तो ट्विन्स हैं। Yes, the show is all about happy, happiness, excitement. नर्वसनेस जब आएगी, जब हम स्टेज के पीछे खड़े होंगे एंड हमारे टर्न आने वाले होंगे तब नर्वसनेस। अभी तो हम लोग बस एक्साइटेड हैं। हम लोग तो बहुत खुश हैं क्योंकि हम भंगड़ा करने वाले हैं, तो वेट कर रहे हैं। मिश्रण है एक तरह का, नर्वसनेस भी है, हैप्पीनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है, बहुत सारी चीजें। सही में आप लुकिंग लाइक अ डॉल। थैंक यू। The thing is कि वो मीरा is always into short clothes। सर 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 हमारे बारे में सब कुछ। मुझे आपको पहले सबसे पहले compliment आपने कुछ किया था कि no boring black suits। Yes। Be happy okay, let him compliment me, come on। Okay। आप लोग वो कर पाते हैं, मतलब आजकल इतने busy हो गए आप, तो like fitness वगैरह पे ध्यान दे पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल fitness सर एकदम है, ज्यादा हमारे तैयार है। नहीं नहीं मुझे बिल्कुल नहीं 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 बारिश में
टोटल चेयर अप सी हु विंस ऑन द काउंट ऑफ 3 ओके ऑन राइट हो जाए राबी ऑन ऑन योर लेफ्ट ऑन योर राइट थोड़ा सा राइट हो जाए हां सर ऑन योर काउंट ऑफ 3 1 2 एंड 3 गो कम ऑन कम ऑन ये ताले मालू शाम करोगे आप अब इसकी बॉडी और नॉलेज जैसी बन जाए This is the true girl, I think, it's the women power. Exactly, I don't gain weight, touch wood, so I just eat. Okay, now, have a pleasant evening, kuch achha khao, jaake achha perform karo, bahut bahut shubhkamnaen aapko. Thank you so much. All the best to you. 50 seconds, yahan pe aa jayenge to short. Okay. Koi apna happy attitude rakhiyega. Mood mein aao. आप एकदम गरीब ऐसे खड़े हो जेम्स बॉन्ड जैसे बाकी दोनों लड़कियां हां मतलब ऐसे आपको सर बहुत विकेट आइडियाज आ रहे हैं मतलब अलग क्या क्या हो रहा है हां खड़े हो हां टर्न हो जाए दोनों साइड अपोजिट साइड ऑफ एंड यू द जेम्स बॉन्ड के लिए अच्छी बात है जी ये तो कंप्लेन करने की नहीं कॉम्प्लीमेंट की बात है थैंक यू 15 साल हो गए हैं और 15 सालों का जश्न मनाया जा रहा है आप भी बहुत हिस्सा रही हैं सर क्या कहना चाहेंगे आज 15 सालों के जश्न में सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन स्टार को स्टार परिवार को फॉर कंप्लीटिंग 15 ईयर्स ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है क्योंकि इस रेड कार्पेट पर और इस इवेंट पर इतनी बार आए हैं और इतना लंबे समय तक उसका हिस्सा रहे हैं कि नॉस्टैल्जिया हो रहा है और पुरानी यादें याद आ रही हैं फ्लैश बैक चल रहे हैं सो इट्स अ नाइस फीलिंग कमिंग बैक थोड़ी सी अपनी ड्रेस के बारे में बताइए बहुत अच्छी लग रही है थैंक यू स्टार परिवार है स्टार इज ऑल अबाउट रिलेशंस इंडियन कल्चर ट्रेडिशन सो ऑब्वियसली आई वांटेड टू वेयर समथिंग इंडियन एंड दैट्स व्हाई आई ड्रेस्ड इन और भी लोग आए जैसे उर्वशी भी आई है काफी लोग हैं आज काफी समय बाद मिलना होगा आप लोगों के हाँ स्टार परिवार के पुराने जो रिटायर हुए मेंबर्स हैं वो सब दोबारा मिलेंगे आज जी आपने लिखवाया ये बताइए मैं ये मेरी बेटी का नाम समायरा आज उसे नहीं लाए हम लोग मतलब कई बार प्रत्यक्ष रूप में उसको देखना चाहते हैं यहाँ अगर उसे लाती तो फिर मैं एक जगह बैठी भी नहीं मिलती स्टेज पे शायद किसी परफॉर्मेंस में आपको अचानक समायरा और मैं नजर आती क्योंकि मैं उसके पीछे भाग रही होती क्योंकि वो भी बहुत छोटी है इसे लाना मुश्किल था सचिन आया नहीं सचिन नहीं आया वो इसे नहीं आया कि उन्होंने कहा कि ये आपका मायका है आपका परिवार है आप जाइए एंजॉय कीजिए वापस से कब लौटना होगा इंतजार कर रहे हैं लोग टीवी के सामने होपफुली बहुत जल्दी मेरी बेटी बड़ी हो गई है इतनी कि अब मैं काम पे जाने की सोच सकती हूँ सो होपफुली बहुत जल्दी आप मुझे टीवी पे देखेंगे चलिए बहुत सारे नए परिवार जुड़े हैं आप देखती हैं आपको क्या लगता है किसको मिलना चाहिए बेस्ट पत्नी या बेस्ट पत्नी ये बहुत टफ सवाल है जब हम खुद भी नॉमिनेट होते थे ना हमेशा लास्ट मिनट लगता था कि हमें मिलेगा कि किसको मिलेगा तो ये बहुत टफ है आई थिंक हर कोई अपने आप में इतना अच्छा है इतने पॉपुलर शोज हैं कि ऑडियंस सबसे ज़्यादा किसे वोट करेगी ये उसी वक्त पता चलता है बहुत टफ सवाल है इतना तो मेरी बेटी मुझे टीवी देखने नहीं देती कि मैं फेवरेट शो बताऊँ बट स्टार में बहुत सारे शोज हैं या ये है मोहब्बतें इज नाइस दी और बाती इज नाइस बहुत सारे शोज हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है इतने सालों से चल रहा है तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है सो या देयर आर मेनी शोज व्हिच आर वेरी गुड लास्ट
लास्ट क्वेश्चन कम बैक करना चाहेंगी तो आपने जैसा कहा आपका मायका है स्टार प्लस के साथ ही आएंगी या फिर और कोई चैनल के साथ? वो तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन अगर स्टार के साथ भी होता है तो आई बी मोर देन हैप्पी। इस साल मैं स्टार परिवार में जैसा मैंने कहा एक्स मेंबर की तरह आई हूँ, अगले साल अगर प्रेजेंट मेंबर की तरह आऊँगी तो इट विल बी ऑल द मोर बेटर। थैंक यू सो मच। थैंक यू बता दीजिए थोड़ा देर। मैं नए परिवार को, स्टार के नए परिवार को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि क्योंकि अभी जो नया परिवार है वो बहुत ही यंग जनरेशन टाइप है, तो बस क्वालिटीज़ अलग है, क्रिएटिविटी ज़्यादा है, सो आई वुड जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। अब बात करते हैं, नकुल को वापस बोलते रिकॉर्ड करने के लिए एक बार। परिवार बहुत आज कैसा रहा, हम आपके अंदर क्या माहौल रहा बताइए आप हमें। एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो, आई एम जस्ट हियर एट द रेस्ट स्टॉप। आई एम कमिंग कमिंग, गिव मी वन मिनट, आई एम कमिंग। या ओके ओके, फटाफट पूछ ले आप, द कॉलिंग इन साइड। वेल, अंदर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, मुझे भी बुलाया जा रहा है, मैं भी बस भाग रहा हूँ, बाहर आ गया था आप लोगों से बात करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही है, अच्छे अच्छे एक्ट्स हो रहे हैं, कुछ टी वी मैपिंग के साथ हो रही है, सो इट्स लुकिंग डिफरेंट देन व्हाट यू हैव सीन बिफोर। आपने रिहर्सल्स काफ़ी किए थे, कैसी रही परफॉर्मेंस आपकी? ऐसे रिहर्सल किए थे लेकिन एंड तक आते आते सब कुछ चेंज हो गया तो अभी बस कर रहे हैं, जो बस जोश के साथ कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आई होप पीपल लाइक इट। क्या है ना, कह सकते हैं क्योंकि वैसे भी स्टार प्लस से तो बहुत लिया हुआ है इतने साल से, तो लाल रंग शायद इस वजह से दिया गया है, मैंने चूज नहीं किया, बट दे ओनली वांटेड मी टू वेयर रेड।
No, not Nisha. Me and she don't say anything for clothes. But ha, shayad unki requirement thi, to lal pehna diye. Thank you. Small clothes, and if you have balloons. Small clothes. वो तो अपना काम है, देखो मैं कैसे मुरझाए हुए बैठे थके से चेहरे ऐसे लटकड़ाए थे कि आएंगे बाइक देंगे चले जाएंगे करते रखे हुए, तो हमारी सब ने ऐसे पकड़े, तो मुझे खुद ही ऐसे लगा कि मैं भी बीमार से पड़ जाऊँ, ले लो भाई बाइक भाई लेनी है किसी ने, तो इसलिए भाई मुझे अंदर जाना, और मेरे अंदर बहुत आपको पता है ऑलवेज एनर्जी होती है, तो मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता हूँ, हमेशा अच्छी जगह लगाती हूँ या वेस्ट अगर करूँगा अभी अच्छी जगह वेस्ट करूँ। थैंक यू जी। ये मेरा खुद का है, ये ड्रेस वालों का है, ये डिजाइनर का है, ये तख्तपोश जो लगा है ये आई थिंक कोई पुराने महाराज थे, राजा महाराजा मुझे लगता है टीपू सुल्तान के टाइम का है, तो वो दिया। ऑफकोर्स दिस इज पार्ट ऑफ एक्ट, ये जो ड्रेस है मेरा अभी वो करूँगा मैं, उसके बाद चेंज करूँगा, उसके बाद दूसरा जो एक्ट है उसमें देन सेकेंड कॉस्ट्यूम। बहुत यार जब आप टीवी पे देखे तो आपको वाकई में लगा था कि ये जो मेहनत की है वो वाकई में मेहनत रंग लाई है। 15 साल नहीं मुझे सब में, मुझे 6 साल हुए, 15 साल मुझे नहीं हुए, मुझे 6 साल हुए स्टार को, 15 स्टार परिवार को 15 साल हो चुके, बहुत बड़ी बात है और बहुत सारी शुभकामनाएं स्टार प्लस को, स्टार परिवार को, और मैं चाहता हूँ कि 3-4 साल मैं भी 10 साल अपने पूरे करूँ स्टार प्लस के साथ और स्टार परिवार के। यार मेरी बातों से एनर्जी लगेगी आपको या इन डंबलों से लगेगी? आई थिंक डंबल लगाने के बाद तो मैं थक जाता है इंसान। मेरा बाइसेप फट जाएगा इसके बाद अगर मैं ये ज़्यादा ऐसे 2-4 बार किया ना, करेंगे मुझे लगता है आपको ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ ऑफकोर्स कोई भी स्पोर्ट्स की गेम हो आज की जनरेशन में, वैसे मैं चाहता हूँ कि चले सोसाइटी से अच्छा है कि आप जिम जाओ, फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल जाओ, कोई भी गेम हो, कुछ भी हो, डांस हो चाहे कुछ भी हो, वो आप ज़्यादा करो अच्छा है, बिकॉज क्योंकि आई थिंक हमारे पंजाब में तो बहुत ज़्यादा लोग नशे में बाकी चीज़ों में पड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उन सबको छोड़ के आप एक ऐसी जगह लगो जो आपको काम आए। बहुत अच्छा है, मतलब अंदर जाती है ऐसे मतलब फील लगेगा कि आप स्टार हो, स्टार के आप स्टार हो चाहिए स्टार। अरे कितनी बार कहेंगे इनको खुद शर्म नहीं है तो हमें क्यों बता रहे तुम? अबे देखो ना यार भाई मुझे अंदर लेके जाना, उसने बाहर ही छोड़ देगी मुझे। चलो थैंक यू सो मच। Remember, a dance step we can do.
मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं मेरा को भी चल गया आप उसको पा लो हां मेरे कौन से बैठ रहे कोई भी अनफॉर्चुनेटली हमें नया सदस्य अवार्ड नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, तेरे शहर में अभी बहुत छोटा सा बच्चा है, तो अभी हम मेहनत करके उसे ग्रो कर रहे हैं। एंड अभी भी 3 नॉमिनेशन बाकी है स्टार परिवार के, होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस। और जितनी हमने रिहर्सल की थी तो पूरी मेहनत हम स्टेज पे दिखा के आ चुके हैं, लेकिन वो व्यूवर्स को बताना है कि उन्हें हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगा। संध्या वगैरह काफी लोग थे आपके साथ में, जी हाँ, हमने तो पूरा अपना ऑलमोस्ट 100% दिया है, और लोगों के एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि उनको पसंद आ रहा है, तालियां बज रही थी, सीटियां बज रही थी, बहुत ही पावरफुल एक्ट था। गणेशा है ही इतना अच्छा फेस्टिवल, और जो गाना बनाया है बहुत ही उमदा था, तो परफॉर्मेंस तो हम लोगों ने आई थिंक ऑन स्टेज एक अलग ही एनर्जी से डांस किया है। आई थिंक आई स्पीक फॉर बोथ ऑफ अस, वी रियली किल्ड इट। जैसे हमने आपको कहा था कि आओ जिस से, जैसे हमने पहले कहा था कि हम लोग बस आग लगाने वाले, देखा ना आग आई ना हमें से, आग लग गई। थैंक यू। मैंने जैसे आप देख सकते हैं मैंने पटियाला सलवार पहना है, एंड आई एम वेयरिंग अ गोल्डन कुर्ता ऑन टॉप, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एन इंडो वेस्टर्न टच। मेरा एक प्रॉप भी था जो मैंने तत्तर में यूज़ किया था, लेकिन गणेशा के लिए मुझे निकालना पड़ा बिकॉज ऑफ द एक्ट, बट वो भी एक प्रॉप था, यहाँ पे एक स्कार्फ के जैसा था, एंड या वाज अ कंप्लीट आउटफिट, आई रियली लाइक्ड इट, बहुत अच्छा लगा, है ना, आई लाइक इट। Thank now you. The fashion icon of TV industry now. Ooh. Yeah. So fashion itself. Thank you. So Amar Mathur ke character mein maine aisa kabhi nahi pehna. Ye Indian look hai. So main bahut zyada khush ho rahi hu apne aap ko dekh ke kyunki finally Indian pehne ko mila. And main niche ghagra pehna hai, typical Indian ghagra Gujarati style mein jo bahut zyada colorful hai, bahut zyada blingy hai. और ऊपर मैंने इंडो वेस्टर्न चोरी पहनी जो अमाय का टच है, और मैंने बिंदी भी लगाई है और इंडियन मेकअप किया है, तो एक्सेसरीज कम है क्योंकि ये इतना ब्लिंगी है, तो उसको अभी आप बताइए करने के लिए इसका वजन क्या होगा, आपने पूछा था ना हमें, बताइए इसका वजन क्या होगा। जितना दिख रहा है उससे बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि हमारे डिजाइनर इतने अच्छे हैं, इतना लाइट वेट बनाया कि मैं अच्छे से डांस कर सकूँ, अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ, तो ये बहुत लाइट है लेकिन दिखने में बहुत है। दोनों बाइक होते हैं पर एक चीज है, जो टैग इज लाइक फैशन आइकॉन, हाउ डू यू टेक इट, फैशन इज स्टार, फैशन का भी अलग मतलब है, हमको कला भी ठंडे खाने की, फैशन इज स्टार बहुत अच्छा लगता है कि डीकेपी के थ्रू, सा परिवार के थ्रू मुझे एक अमाया का कैरेक्टर निभाने का मौका मिला, जो रियल लाइफ में मैं अपनी मतलब फैशनिस्टा नहीं हूँ, लेकिन रियल लाइफ में बनी हूँ, और धीरे 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 24/7 अमाया का कैरेक्टर जी रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो फाइनली फैशनिस्टा बनते ही चली जा रही हूँ मैं। फिट एंड स्ट्रॉन्ग जिम वाला, यू मीन मैं? ओके लेट्स डू इट। नहीं यार, ये सब नहीं हो गया यार, हो गया ये, और ये सच में भारी है, सबको लगेगा ये प्रॉब्लम, प्लीज ये भारी, आई डोंट नो कितने भारी है यार, आई हेट यू, ये ले मैं तुम्हारा बोल दूंगा, थैंक यू यार, थैंक यू।
so sweet, Mantu. Thank you so much. Thank you. For being so sporty. Thank you. We have balloons for them. What? Balloons? We have balloons for them. Thank you so much. Thank you.